जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राजस्थान लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक के पद की सीधी भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, आप उसका फॉर्म भरने के लिए फोटो सिग्नेचर को कैसे रिफाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो फोटो मांगी गई है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में मांगी गई है। मिनिमम पिक्सल की बात करें तो 240x320 मांगा गया है। मैक्सिमम पिक्सल की बात करें तो 480x640 पिक्सल यहां मांगा गया है। 50 KB से लेकर 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से ज़्यादा फोटो का साइज जो है तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो मिनिमम पिक्सल 280x80 मांगा गया है। JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। काले या नीले पेन से आप साइन कर सकते हैं। मैक्सिमम पिक्सल की बात करें तो 560x160 मांगा गया है। 20 KB से लेकर 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। 50 KB से ज़्यादा साइन का फाइज नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब जहाँ आपके फ़ोटो और सिग्नेचर हैं वहाँ पास अब आपको चले जाना है। तो ये देखिए मेरी फ़ोटो है और ये मेरा सिग्नेचर है। ये मैं अपने मोबाइल से क्लिक करके अपने PC में सेंड कर लिया था। तो कुछ इसी प्रकार आप भी अपने मोबाइल से क्लिक करके अपने PC में सेंड कर लीजिएगा। अब हम फोटो को रिफाइज करते हैं। तो सिंपल फा इसमें क्लिक करना है, ओपन में चले जाना है और यहाँ से पेंट में चले जाना है। इसके बाद कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेना है कुछ इस प्रकार। अब हमें यहाँ रोटेट करने की ज़रूरत है तो सिंपल फॉर्म रोटेट में क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है तो सिंपल फॉर्म सेलेक्ट में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, जितना भी भाग हमें चाहिए कुछ इस प्रकार हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे। अब हमें रिफाइज करने की ज़रूरत है तो सिंपल फॉर्म रिफाइज में क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्सल में क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे, हॉरिजेंटल में हम भरेंगे। हॉरिजेंटल में आप ध्यान रखिएगा 240 से लेकर 480 तक भर सकते हैं और वर्टिकल में 320 से लेकर 640 तक भर सकते हैं। तो चलिए हॉरिजेंटल में हम भर देते हैं, 240 से लेकर 480 के बीच आप भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास 300 भर देता हूँ और वर्टिकल में आप 320 से लेकर 640 तक भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास 500 भर देता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देना है, Ctrl+S दबा देना है। इसके बाद यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो का जो साइज है तो 41.6 KB आ गया है और मांगा कितना गया है 50 KB से लेकर 100 KB तक। तो यदि आपकी फ़ोटो का भी साइज 50 KB से कम आ जाता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में बताया हूं कि आप इसका साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम सिग्नेचर को रिफाइज कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म हम इसमें क्लिक करेंगे, ओपन में चले जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। इसके बाद यहां से कोने में जाकर इसको जूम आउट कर लेंगे। अब हमें यहाँ क्रॉप करने की ज़रूरत है तो सिंपल फॉर्म सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, जितना भी भाग हमें चाहिए कुछ इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। अब हमें रिफाइज करने की ज़रूरत है तो सिंपल फॉर्म हम रिफाइज में क्लिक करेंगे, पिक्सल में क्लिक करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे। हॉरिजेंटल में आप भर सकते हैं 280 से लेकर 560 तक। तो चलिए मैं यहाँ पास भर देता हूँ 400 और वर्टिकल में आप भर सकते हैं 80 से लेकर 160 तक। तो चलिए मैं 120 यहाँ भर देता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ, Ctrl+S दबा देना है। इसके बाद यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखिए हमारे सिग्नेचर का जो साइज है तो 24.2 KB आ गया है। तो कुछ इस प्रकार आप अपने सिग्नेचर को रिफाइज कर सकते हैं। अब यदि आपके फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है तो 20 KB से कम आ जाता है या 50 KB से कम आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ सर्च मारेंगे आप KB इंक्रीजर ऑनलाइन। इतना सर्च मारने के बाद imagediamond.com के नाम से वेबसाइट ओपन होगी, आपको सिंपल फॉर इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सेलेक्ट इमेज में क्लिक करेंगे
इसके बाद जिसका भी साइज आपको बढ़ाना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो डॉट जैसे दिखाई दे रहा है आप ऐसे पकड़ेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये देखिए 70 KB हो गया है, इसको और बढ़ा देंगे तो और भी बढ़ जाएगा। इसकी क्वालिटी एक भी चेंज नहीं होगी इमेज की हमारे। तो ये देखिए 78 KB हो गया है। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो का साइज बढ़ा सकते हैं और सिग्नेचर का भी साइज आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका जो साइज है तो 78.2 KB आ गया है। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो का साइज बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।